हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बना लेते हैं भरुआ भिंडी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी है और बहुत ही कम ऑयल में बनके रेडी हो जाती है और इसका कलर एकदम ग्रीन ही रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। स्वागत है आपका मेरे स्पाइसी फूड कॉर्नर पर। तो यहाँ पे हमें भिंडी को धुल लेना है और सूखे कपड़े से सुखा लेना है। अब इसका जो साइड वाला पार्ट है उसको कट कर देंगे और इसमें एक बीच में से कट लगा देंगे कुछ इस तरीके से। अब गैस को करेंगे ऑन, रखेंगे एक पैन। अब डालेंगे 2 चम्मच के करीब हम तेल, 1 चम्मच के करीब मूंगफली के दाने और 4 चम्मच के करीब नारियल बुरादा यानी नारियल पाउडर। अब इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है, 5 मिनट के लिए भून लेना है। अब इसको निकाल लेंगे, डालेंगे ग्राइंडर जार में, इसको ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। अब एक बॉल में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज और स्वादानुसार नमक, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन धनिया पत्ती, हींग 2 चम्मच के करीब हम यहाँ पे लेमन जूस डालेंगे और यहाँ पे 2 चम्मच के करीब हम ऑयल डालेंगे, तेल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मसाला को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब कटा हुआ भिंडी लेंगे, अब ये मसाला है बीच में भर देंगे यानी स्टफ़ कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो चलिए करते हैं गैस को ऑन, रखेंगे एक पैन। अब इसमें डालेंगे 3 चम्मच के तकरीबन ऑयल, बहुत ही कम तेल लगता है इसमें। अब एक एक करके भिंडी हम इसमें सेट कर देंगे। बहुत ही यमी बनती है और 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। आप गैस की फ्लेम को धीमा करके ही रखिए। अब इसको हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पका लेंगे और लीजिए बन गया हमारा भिंडी, भरवा भिंडी, कोकोनट भरवा भिंडी। तो चलिए, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।